हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग? और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी एकदम बंदास चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 12 की, और पार्ट नंबर 12 किसका बात करेंगे हम? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आज हम पार्ट नंबर 12 में पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे वर्क किया जाता है इनपुट डिवाइस में। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन एंड व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर एंड इट्स टाइप्स इन फीचर्स, अब आपको लिखना बहुत कुछ है तो आप सब वीडियोस को कंबाइन करके कंप्यूटर के बारे में पेल सकते हो, सॉरी लिख सकते हो। ठीक है ना, बात करते हैं इनपुट डिवाइस। तो सर इनपुट डिवाइस होता क्या है? तो बच्चा याद रखिएगा, द यूनिट कंटेन्स डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डाटा। जब कोई डाटा को हम एंटर करते हैं इनटू कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर, दिस यूनिट मेक लिंक बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर। ये किन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करती है? तो भैया याद रखिएगा, जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में, तो आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर है ना, और कंप्यूटर के अंदर जो कनेक्शन दे रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, इनपुट डिवाइस। यानी कि बीच में कौन आ जाता है, इनपुट डिवाइस। आप यूजर हो, समझ लो, बहुत इजी लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूं। आप यूजर्स हैं, आप कंप्यूटर चला रहे हो। अब कंप्यूटर को डाटा देना है, यानी कि इंफॉर्मेशन देनी है, कैसे कैसे वर्क करवाना है कंप्यूटर से, उसके बीच का जो पार्ट होता है वही इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कि सर अब माउस हो गया, माउस क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है। अब क्या कॉम्बिनेशन मिला रहे हो आप, ये क्या है यूजर और ये क्या है कंप्यूटर। तो यूजर क्या कर रहा है, कंप्यूटर यूज कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, इनपुट डिवाइस के थ्रू कर रहा है। इसी को हमने क्या बोला, माउस के थ्रू कर रहा है, तो इसी को हमने क्या बोला भैया, इनपुट डिवाइस बोला। कोई दिक्कत, अरे कोई परेशानी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया उसी को हमने क्या बोला, इनपुट डिवाइस बोला। जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन लिंक प्रोवाइड करवाता है उसी को हमने क्या बोला, इनपुट डिवाइस बोला। द इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इन टू द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल कंप्यूटर। सर अंडरस्टैंडेबल कंप्यूटर मतलब, देखो भैया हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो जीरो और वन के फॉर्म में ही क्या करता है डाटे को, यानी कि ये क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं इसको, क्या बाइनरी नंबर के, यानी कि बाइनरी नंबर में ही समझ पाता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस यूज होती है। ठीक है, अब कीबोर्ड हो गई, कीबोर्ड में लिखे भले ही अल्फाबेटिकल्स न्यूमेरिकल लिखे होते हैं, वो कन्वर्ट होता है पहले जीरो और वन की लैंग्वेज में, तब जाकर क्या होता है भैया, कंप्यूटर हमारा रन करता है, प्रोसेसिंग करता है। आई होप यहां तक समझ में बात आ गई होगी ना। अब हम बात करते हैं सर इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या क्या इनपुट हम लिख के आ सकते हैं। तो बच्चा सुनो, कीबोर्ड, क्या भैया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक, ओएमआर, ओसीआर, लाइट पेन और वेब कैम हो गया आपका, लाइट पेन हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और देखो भैया इनपुट डिवाइस, इनको दूसरा नाम भी है इनका, पॉइंटिंग डिवाइस। क्या नाम है भैया, पॉइंटिंग डिवाइस है, इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, याद हो गया। ठीक है, यानी कि इनपुट डिवाइस क्या है सर, कुछ भी नहीं है, इनपुट डिवाइस जो यूजर जो होता है और कंप्यूटर के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करवाता है उसी को हमने क्या बोला, इनपुट डिवाइस बोला, ताकि उसमें इंफॉर्मेशन जा सके आउटपुट मिलने के लिए। यहां तक क्लियर हुआ बात कि नहीं? अब इसके एग्जांपल मैंने कौन कौन से बताए, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, बायोमेट्रिक, ओएमआर, ओसीआर, आईएमआर, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। बढ़िया पेल के लिख के आइएगा, कॉपी भर के आइएगा, बढ़िया से आपको नंबर मिलेंगे ना। बात करते हैं सबसे पहले कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड कैसे वर्क करता है, द कंप्यूटर कीबोर्ड इज यूज टू एंटर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर क्या होते हैं भैया, न्यूमेरिकल होते हैं है ना, अल्फाबेटिकल्स होते हैं, कैप्स लॉक की होती है। ठीक है, वो सब क्या करती है भैया, अब तो आधा से ज्यादा काम कर कौन, तो हर कीबोर्ड कर देता है। कैसे, अगर हमें रिफ्रेश करना है तो F5 बटन दबाते हो कि नहीं दबाते हो? ठीक है, F5 आपका कर दो रिफ्रेश के लिए, दबाते रहते हो तो क्या होता है आपका, ये घंटी बजा लो। ठीक है भैया, तो भैया क्या होगा, F5 हमारा क्या होता है भैया, रिफ्रेश के लिए होता है। यानी कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी होगी, कीबोर्ड। ठीक है भैया, इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड कैन ऑल्सो बी यूज टाइप ऑफ कमांड डायरेक्टिंग, जैसे मैंने अभी बताया कमांड देने के लिए है ना। अब आपको कैपिटल लेटर लिखना है तो आप कैप्स लॉक दबाओगे, तो ये सिंपल सा है ना, आपको एट द रेट दबाना, शिफ्ट करके आप एट द रेट दबा देते हो, तो ये सब क्या होता है, किसके थ्रू होता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू। कौन करवाता है, यूजर करवाते हैं, यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करवाता है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर, कीबोर्ड। ठीक है,
तो ये सब हो गया। द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, और कंप्यूटर क्या करता है, इन सब कामों को अच्छी तरीके से कर पाता है। नाउ हम बात करेंगे माउस की। तो अब माउस आप सभी लोगों ने देखा होगा कि माउस कैसा होता है, ठीक है, ऐसा ही होता भाई माउस। हम वो वाले चूहे की बात नहीं कर रहे जो आपके घरों में घूमता है, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के माउस की, ठीक है। तो भैया देखो, ये दो टाइप्स के आते हैं, आप लोगों को पता है, एक आता है कॉर्डलेस, एक आता है कॉर्ड, यानी जिसमें कॉर्ड होती है, यानी कि लाइन जिसमें क्या होती है भैया, वायर होती है, उसको बोलते हैं कॉर्ड वाला माउस, और जिसमें जो वायर नहीं होता उसको बोलते हैं कॉर्डलेस, ठीक है। वो वायर वाईफाई से चल सकता है, सॉरी ब्लूटूथ से चल सकता है, किससे चलता है, ब्लूटूथ से चलता है, ठीक है, जिसमें वायर नहीं होते उसको कहीं भी रख लो। और भैया कितने बटन होते हैं इसमें, 3 बटन होते हैं, ये भी लिख आइएगा, देयर आर 3 बटन्स इन देयर, लेफ्ट एंड राइट, एंड बीच में आपका क्या होता है भैया, स्क्रोल बटन होता है, क्या होता है भैया, स्क्रोल बटन होता है, ये भी लिख आइएगा, ठीक है। अब कॉर्डलेस और वायरलेस माउस कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर वायर रेडियो वेव्स, जिसकी कॉर्ड नहीं होती वो किसके वेव्स पे काम करता है, रेडियो वेव्स की काम करता है, ऑफ्टन यूजिंग ब्लूटूथ एंड हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल्स सो दैट द कॉर्ड इज नॉट नीडेड, ठीक है। जब आपके ब्लूटूथ ऑन कर लोगे हैं, उसकी प्रोटोकॉल्स क्या करती हैं भैया, ब्लूटूथ से क्या करवाती हैं, काम करवा देती हैं जिसमें वायर्स की जरूरत नहीं होती है। अ माउस ऑल्सो इंक्लूड वन और मोर बटन्स एंड पॉसिबली अ स्क्रोल वेयर टू अलाउ यूजर इंटरफेस टू GUI। देखो ये माउस की जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है, ग्राफिकल ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस में ज्यादा पड़ती है, ठीक है, GUI, ठीक है। GUI का एग्जाम्पल क्या होगा, Windows 10, Windows 7, इसमें अंदर क्या होती है, ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस होती है, ठीक है। उधर ज्यादा क्या होता है भैया, माउस का ज्यादा लेना देना होता है। बात करते हैं OCR की, सर OCR क्या होते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, क्या होता है भैया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सर ये क्या काम करते हैं, सिस्टम डेट प्रोवाइड्स अ फॉल अ फुल, मैंने क्या लिख दिया भाई, हाँ, अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है भैया। तो प्रोवाइड्स फुल अल्फा न्यूमेरिकल रिकॉग्नाइज्ड ऑफ प्रिंटेड और हैंड रिटन कैरेक्टर्स एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड बाय सिंपलीफाई स्कैनिंग द फॉर्म ऑफ मोर। देखो भैया कुछ भी नहीं होता, आपके जो पेज में लिखा होता है उसको स्कैन करके आपको एक बढ़िया लैंग्वेज में, देखो देखो भैया सुनो, मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये तो लिख रहा है, देखो विदेशों की लैंग्वेज, हम देसी भाषा में समझेंगे। देखो भैया आपका OCR क्या करता है, ये डिवाइस होती है, क्या होती है OCR, क्या है भैया OCR, ये हो गया आपका डिवाइस, ठीक है भैया। अब इसमें क्या होता है सर, आपने कोई हैंड रिटन राइटिंग लिख दी है ना, जैसे हमारी राइटिंग, जैसे कि ये राइटिंग लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको पेज में, एक पेज में लेके इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, अब हमको चाहिए कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन द सेंस कि आपके जो बुक में जैसे लैंग्वेज लिखी, जैसे रिटन हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, एक स्टैंडर्ड रिटन में, है ना, हैंड रिटन में, किसमें, स्टैंडर्ड राइटिंग में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है OCR, ठीक है। इस डिवाइस में डालते ही आपके क्या हो जाएगा, हैंड रिटन जो होती है, हैंड रिटन नोट जो होते हैं वो एकदम बढ़िया, एकदम जैसे ऐसे वाले, जैसे स्पेशल लिख रहा है ये वाला, तो ऐसे लिख जाएगा भाई साहब स्पेशल, ठीक है, स्पेशल तरीके से लिख जाएगा भाई साहब, समझ रहे हैं आप मेरी भावनाओं को, ठीक है बेटा। OCR क्या करता है भैया, OCR एक डिवाइस होती है जिसके अंदर कोई भी राइटिंग हो आप एक स्टैंडर्ड किसमें राइटिंग में चेंज कर सकते हो, तो OCR वही काम करता है। और इसका नाम अब बेसिकली कौन सा यूज करते हैं हम, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ICR भी बोलते हैं इसको। OCR को क्या बोलते हैं भैया, ICR भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है भैया। OCR क्या मतलब होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और आई ओ की जगह हटा दो, आई लगा दो, इंटेलिजेंट कैरेक्टर और रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो आगे बढ़ते हैं भैया OMR। देखो भैया OMR समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, OMR आपने सेकंड ईयर में पेपर दिए हैं, सब लोगों ने दिए हैं भैया OMR से। OMR में आपकी खाली शीट मिलती है, ठीक है, एक बढ़िया टाइप की शीट होती है जिसमें कि दो मतलब दो लेयर चढ़ी होती है, एक होती है ब्लू कलर की लेयर जो होती है, ठीक है, वो क्या होता है, एक OMR होती है जो सब दिख रही होती है और इधर क्वेश्चन लिखे होते हैं, ठीक है, चार ऑप्शन होते हैं, जो सही होता है उस पर आप क्या करते हो, ब्लू प्रिंट कर देते हो ना, यानी ब्लैक कर देते हो, ब्लू कर देते हो, लेकिन जो पीछे वाले जो छपके आता है वो ब्लू में हो जाता है। तो भैया एक ऐसी डिवाइस है OMR, OMR एक डिवाइस है जो क्या करता है, आपके OMR शीट को अंदर डालता है और भैया ऑटोमेटिकली, देखो यहाँ पे लिख रहा होगा OMR इनेबल प्रोसेसिंग 100 और 1000 डॉक्यूमेंट्स एवरी आवर ऑटोमेटिकली, एक घंटे में 1000 कॉपी
चेक कर सकता है भैया कॉपी, इन द सेंस कि जो आपकी ओएमआर सीट होती है, यानी कि 1000 बच्चे। अब देखो आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, एसएससी का एग्जाम होता है, ठीक है, तो जितने भी एग्जाम होते हैं ओएमआर सीट बेस्ड, तो वो क्या करते हैं लाखों के अमाउंट में बच्चे बैठे होते हैं पेपर में, अब वो उनका कैसे चेक हो, सीधे क्या करते हैं 1000 कॉपी ली इसकी, मतलब क्या करा ओएमआर सीट में अंदर डाला और भैया क्या निकल के आ गया, सिंपल एज दैट, क्वेश्चन इतने गलत इतने सही है, वो आराम से क्या कर लेगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जो ओएमआर अच्छी तरह से क्या करता है भैया, सिंप्लीफाई कर देता है। ना बात करते हैं MICR की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये भी देखो सबसे पहली चीज MICR मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, और ये कहां पर यूज होता है भैया, इसको लिख के जरूर आना, देखो ये तीन जो तो लिख के आना, क्योंकि ये दम अपने में क्या रखती है, दम रखती है, OCR यानी कि बच्चे को पता है सब कुछ, ठीक है। MICR क्या करती है भैया, ये सबसे ज्यादा कहां पर यूज होती है, बैंक में यूज होती है, आपको देखा होगा अकाउंट नंबर पता होगा आप लोगों को, चेक्स आपने विड्रॉ करवाए होंगे, तो उसकी जो इंक होती है उनको बारकोड वगैरह जितने भी लगे होते हैं उनको रीड करने में मदद करती है, कौन सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है भैया। और ये भैया क्या होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होती है, टू इजी टू प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस चेक एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी बार कोड्स वगैरह होते हैं, और जितने भी देखो तुमने अलग चेक अगर देखा हो, अलग टाइप के नंबर्स लिखे होते हैं उसमें बार कोड डले होते हैं ताकि कोई धांधलेबाजी ना हो, तो इसी वजह से क्या होता है MICR यूज किया जाता है वहां पे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भैया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। 6th हम बात करते हैं स्कैनर्स की, स्कैनर आपने लोगों ने सुना होगा, कैम स्कैनर आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप क्या करते हो स्कैन करके रख लेते हो, अपने कंप्यूटर में फीड कर लेते हो, तो अब वो क्या हो जाता है, सेफ रखा रहता है। तो स्कैनर क्या होते हैं भैया, एक इनपुट डिवाइस है ये भी, ठीक है। अगर इसके आपको डीप पढ़ना है तो टेलीग्राम पे लिंक देखो उसमें होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके जुड़ जाना, मुझसे मांग लेना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ये स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, लाइट पेन जितने भी होंगे। देखो ये अब जॉयस्टिक आप लोगों ने गेम खेला हो वो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है ना, अरे मार 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 इधर मार इधर मार, भाई साहब ये जॉयस्टिक होता है, ठीक है भैया, जो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, यानी कि ये भी यूजर से कंप्यूटर के बीच में क्या कर रहा है, लिंक प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब बात करें वेबकैम की, वेबकैम आपने सुना होगा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है तो क्या होता है, वेबकैम का यूज होता है। ये कैसा होता है, वायरलेस होता है, कॉर्डलेस होता है, ये कॉर्ड होती है इसमें, तो भैया ये कॉर्ड होती है और कॉर्डलेस भी शायद यूज होते हैं अब तो ब्लूटूथ ऑन करके। तो देखो ब्लूटूथ ऑन करके ना थोड़ा सिग्नल विंगल का प्रॉब्लम होता है कि नहीं आ पाए, तो इससे बढ़िया होता है कॉर्ड वाले जो होते हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं वेबकैम, तो वो यूज हो जाते हैं। वो किस पे यूज करवाते हैं भैया, ये इनपुट डिवाइस है, वेबकैम क्या है, इनपुट डिवाइस है। बात करते हैं हम नेक्स्ट लाइट पेन, लाइट पेन आपने सुना होगा जो आपके कंप्यूटर, अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड लग रहा है, यहाँ पर कौन सा बोर्ड लग जाता है, एक डेस्कटॉप टाइप का बोर्ड लग जाता है जो कि लाइट पेन यूज करते हैं उसमें, वो बहुत थोड़ा सा महंगा कॉस्टली पेन होता है क्योंकि वो इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है भैया। कुछ भी लिखना हो आपको PDF सब कुछ अब बढ़िया काम करने का काम था। बायोमेट्रिक आप लोगों ने सुना होगा, जब आप स्कूल में जाते थे तो मैडम कहती थी बायो मैं थंब है ना, थंब प्रेजेंट लगती है थंब से, बायोमेट्रिक वो होता है जो आपने पेटीएम खुलवाया होगा है ना, पेटीएम की KYC करवाई होगी, या फिर अब तो बैंक वगैरह में क्या होता है बायोमेट्रिक लगता है, आपका थंब जो होता है रेड कलर का वो होता है छोटा सा होता है, वो आपका थंब लेता है और आराम से क्या करते हैं कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन देता है कंप्यूटर को, और अपने आप ही क्या लग जाता है भैया, ठप्पा लग जाता है, और स्कैन की जरूरत नहीं होती। जब वो आपका पहले नीला नीला चलता था ना, तो उसको पहले क्या करते थे आप, पहले स्टैम्प में जाते थे उसको लगाते थे, अब कुछ नहीं, ठीक है, आपके जो फिंगरप्रिंट यानी कि थंब का प्रिंट जो होता है वो लगाओ उसमें, किसमें लगाओ, आपके जो बायोमेट्रिक वाली मशीन जो होती है उसमें लगाओ, आपका प्रिंट किसमें चला जाएगा, कंप्यूटर में चला जाता है। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो गई है, ये था इनपुट डिवाइस का, ठीक है, मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसके अंदर का डीप नॉलेज जितनी भी है मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप और पढ़ के जाना चाहते हैं तो उसके अलावा और पढ़ के चले जाना इनपुट डिवाइस के अंदर। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से तो मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दी है, बहुत अच्छे से समझाई है मैंने कि यूजर से और कंप्यूटर के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करवाता है उसी को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और इनपुट डिवाइस के जो क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं वो एक एक तरीके से मैंने बता दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं पार्ट नंबर 13 में।